हेलो दोस्तों, आप सभी का राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो एक काफ़ी स्पेशल होने वाला है, जो कि हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में। अगर आपके पास पैसा का कमी है और अगर आप ये बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो देखने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका जो ड्रीम वाला ये बाइक है, आप इसको काफ़ी कम प्राइस में ले सकते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देख के यहाँ पे आप इस वीडियो में आए हुए हैं। तो आज जो हम बात करने वाले वो होने वाला है रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350, जो कि आपको नए वाले से हाफ दाम में आधे प्राइस में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइस के बारे में बात कर ले, तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ जो क्लासिक जो रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 है वो आपको 72,000 रुपये में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा और कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो जी दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ये नया जो प्राइस है उससे ये हाफ दाम में और 72,000 में कैसे मिल पा रहा। तो पहली बात तो यहाँ पे आप जान लीजिए, ये आपको नया नहीं मिलता है, यहाँ पे ये सेकेंड हैंड बाइक आपको मिलती है, जो कि बाइक्स 24 एक जानी मानी कंपनी है, उनके वेबसाइट पे ये अपडेट हो चुका है, जहाँ पे आपको जो रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 है वो आपको 2015 की मॉडल मिलने वाली, जो कि सेकेंड हैंड होने वाली है। 2015 की मॉडल है, बट यहाँ पर अगर आप किलोमीटर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 13,095 किलोमीटर ये बाइक चली हुई है। तो अगर हम कैलकुलेट करें, अगर आप 2015 से 2021 के बीच में देखें तो आपको 6 साल का डिफरेंट देखने को मिलता है, बट 6 साल के हिसाब से अगर आप 13,095 किलोमीटर देखते हैं तो ये कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली आप मानिए, मेरे पास जो बाइक है अपाची की RTR 160 है, जो कि लगभग 4 साल प्लस हो चुका है, उसमें अभी जो है मैंने 32,000 किलोमीटर चला लिया सिर्फ 4 सालों में, और यहाँ पे रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 आपको मिल रही है, 6 साल लगभग हो गया है, मतलब 2015 की मॉडल है, तो 6 साल में ये बाइक सिर्फ चली है 13,095 किलोमीटर, मतलब काफ़ी कम ये बाइक चली हुई है, तो इसका इंजन वगैरह काफ़ी सही रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये कौन से ओनर है, मतलब कितने सेकेंड हैंड पे है, कितने नंबर पे, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ओनर ये बाइक मिलती है, और जो फर्स्ट ओनर बाइक होती है एक ही बंदे के हाथ से चलाई हुई रहती है, तो वो बाइक मतलब माना जाता है काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि 2-3 बंदे जो चलाते हैं उनका चलाने का एक्सपीरियंस अलग होता है, तो वो बाइक थोड़ी सी अटपटी सी लगती है, बट यहाँ पे फर्स्ट ओनर आपको मिल रहा है तो ये बाइक आप मान के चले कि अच्छी ही है। और बाइक्स 24 में है, जो कि आपको ये जो कंपनी है ये हर एक बाइक के 140 पॉइंट को ये लोग मतलब देखते हैं कि क्या खराबी है, क्या इसमें कमी है, मतलब वो लोग चेक करते हैं लेने से पहले। तो यहाँ पे अगर आपको ये बाइक लेना है, बजट कम है, तो आप 72,000 रुपये दे के इसको ले सकते हैं, और ये दिल्ली के रजिस्टर्ड नंबर है, दिल्ली 9C की रजिस्टर्ड नंबर है RTO की। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये फर्स्ट ओनर है जैसा कि मैंने बता दिया है, और अगर इसके जो एक इसमें डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि ये 2015 की मॉडल है जो विदाउट ABS की है, अभी नए वाले क्लासिक 350 में आपको ABS मिल जाता है, बट अभी ये जो आप देख रहे वीडियो में ये आपको क्लासिक 350 मिल रही है नॉन ABS, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ब्रेकिंग में कंप्रोमाइज करना होगा। बाकी अगर इसके फीचर के बारे में बात करें तो ये आप घर लेके इसको जा सकते हैं, खरीद के घर लेके जा सकते हैं, उसके बाद अगर आपको ये बाइक पसंद नहीं आती है तो आप कंपनी के पास वापस रख सकते हैं, मतलब 7 दिन की आपको रिटर्न पॉलिसी इसमें मिलती है, जो 7 दिन के बाद आप अगर बाइक चलाते हैं और आपको पसंद नहीं आती है, आपको लगता है कि नहीं बाइक मुझे पसंद नहीं आई, मैं इसको वापस करना चाहता हूं, तो आप कंपनी पर जाके वो बाइक को दे भी सकते हैं, तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। और यहाँ पर आपको 1 साल की कंपनी की तरफ से, बाइक्स 24 की तरफ से आपको ऑफिशियल वारंटी भी मिल जाती है, तो आप टेंशन फ्री रह सकते हैं, मतलब मान के चले कि नए जैसा ही आपको वारंटी वगैरह सब कुछ मिलने वाला है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट इधर या साइड में कहीं पे लगा दूंगा, जहां पे आप देख सकते हैं कि क्या कुछ आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाली है। इसमें आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा थर्ड पार्टी वाला, और इसमें आपको हेलमेट मिल जाएगा, की चेन मिल जाएगा, और इंश्योरेंस तो मैंने बता दिया, बाकी आपको होम डिलीवरी भी मिल जाएगी, और RC जो ट्रांसफर होता है वो भी आपको मिल जाएगी। इन सब के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लग रहा, सारा कुछ आपका फ्री में हो रहा है, और यहाँ पे टोटल आप हिसाब देख सकते हैं, तो ये यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। तो ये जो ऑफर है ये आज ही आया हुआ था, तो बाइक्स 24 में आप इसको जाके चेक कर सकते हैं, और जहाँ तक अगर प्राइस देखें तो काफ़ी कम प्राइस में ये मिल रहा है, तो आप जल्दी कीजिए, नहीं तो कोई दूसरा बंदा भी इसको बुक कर सकता है, रिजर्व कर सकता है। अभी जबकि मैंने इसका अपडेट देखा था तो यहाँ पर ये खुला हुआ था, अभी आप फिर से चेक कर सकते हैं ये खुला हुआ है या किसी ने रिजर्व किया है या ये डिलीवरी के लिए निकल चुका है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, जहाँ पर आपको क्लासिक जो
रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था आज का इस वीडियो, छोटा सा ही था क्योंकि इसमें मैंने आपको अपडेट वाला बताया है कि आधे दाम में आप ले सकते हैं। फर्स्ट ओनर है बाइक है, सेकंड हैंड आपको ये मॉडल मिलती है, 2015 की मॉडल है। आपको इसमें आरसी ट्रांसफ़र वगैरह का कोई झंझट नहीं है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, सारा कुछ कंपनी आपको करके देगी। हेलमेट, की चेन और इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो ये है एक छोटा सा क्विक वाला अपडेट वाला वीडियो, जहाँ पर अगर आपको बजट नहीं हो पा रहा तो आप इस बाइक को ले सकते हैं काफ़ी कम प्राइस में, जो कि 72,000 में आप मान के चले कि काफ़ी अच्छा कंडीशन में आपको ये बाइक मिल जाती है। तो ऐसा ही अगर आपको और भी आने वाले टाइम में कम बजट में सेकेंड हैंड अच्छा मॉडल वाला बाइक चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राइड विद बाइक।